मेरा नाम है अरुण। मैंने तुम्हें पहली बार मंदिर में देखा था और देखते ही मेरे मन को ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी माँ को देख लिया हो। ऐसा लगा जैसे कि मेरी खोई हुई जिंदगी तुम्हारे जरिए मुझे हमेशा हमेशा के लिए वापस मिल गई। तुम्हें देखने के बाद पहली बार मुझे जीने की तमन्ना जागी है। मेरा तो बस यही सपना है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ इसी तरह तुम्हारे साथ ही रहूं। Hey, फिल्मों में जब से मंदिरों की सीढ़ियों के चढ़ने के बारे में दिखाया तब से सब यही फॉलो कर रहा है। सही कहा ना मैंने? फिल्मों की बातें लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, है ना? अच्छा वो देख आ गया। अच्छे से दर्शन करने मिले, है ना? भैया तुझे बुला रही है। कैसे हो भैया? तुम कैसी? मैं अच्छी हूँ भैया। तुम्हारा बच्चा है? हाँ लड़की। अरे बच्चा, क्या नाम रखा है इसका? नाम रखने के लिए ही मंदिर आए थे, आप ही कोई अच्छा सा नाम बता दीजिए। अरे मैं क्या नाम रखूंगा, तुम ही रख लो ना। आज हम दोनों आप ही के कारण जिंदा है भैया, मैं चाहती हूँ कि आप ही इसका नाम रखें। बेटा आपको जो नाम पसंद हो आप वही रख दीजिए। ठीक है, गायत्री। गायत्री, गायत्री, ये लीजिए। बहुत अच्छा नाम है भैया। हाँ। किसका नाम है? आपकी माँ का? नहीं, सच में? चलते हैं बेटा। ठीक है भैया। हाँ, तुम जाओ। बच्चों मान गई यार। अरे पढ़ गई। अरे रुचा रुचा, तू क्यों खुश हो रहा है बे? अबे तेरी वाली मान गई तो मेरी वाली भी मान जाएगी ना। अरे मतलब डबल ओके।
हाल बुरा हाल हुआ दिल यूं मचलने लगा। अरुण, हमेशा रोमांस के मूड में मत रहा कर यार, हम पे भी ध्यान दे। अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बस मुझे उसके बाप से नागेश से बहुत डर लगता है। बच्चू, तेरा काम हो गया क्या? अबे तू निकालना जल्दी। हाँ, निकाल रहा हूँ ना। ये भाई, वो देख, दुकान अच्छी है। इसके सामने क्यों दे रहा है? क्या तू भी डरता है? कुछ नहीं, ये बस बच्चू पोस्टल सर्विस है। ये सब नहीं करूंगा तो अपना काम कैसे चलेगा, अपना जेब खर्चा कैसे निकलेगा भाई? हाय बच्चू। हाँ, सब ठीक है ना? काम हो गया ना? हाँ हो गया ना, पैसे निकल जल्दी। ए, ये सब क्या हो रहा है बे? ठीक है। अरे कुछ नहीं भाई, जब मैं केबल कनेक्शन करने के लिए किसी के घर जाता हूँ ना, तो वहाँ इनकी गर्लफ्रेंड्स, ए सुना, इनकी गर्लफ्रेंड्स को मैं इनका लेटर दे देता हूँ और उसी के मैं पैसे चार्ज करता हूँ। ये क्या करने लग गया तू? ये तो गलत बात है। ए, जो पैसे हमें मिलते हैं उससे हमारा खर्चा चलने वाला है क्या? जरा बता तू। सुन, एक बात तुझे बताऊँ, ये दोनों जिस लड़की से प्यार करते हैं ना, वो एक ही है। अबे तू भी ना दोस्त है, जाके दो अच्छी चाय लेके आ, जल्दी जा। लेके आ जल्दी आ। ठीक है। ए, बेवकूफ बनना गलत नहीं है, बेवकूफ बनाना गलत है। ए, अरे दोस्त यार, तू अभी बच्चा है यार, तुझे समझ में नहीं आएगा। अच्छा, कौन मैं बच्चा? और क्या? भी ना यार, बस यही सुनना बाकी रह गया था। चल चाय पीते हैं यार। भैया चार चाय दो यार। चाय के बाद चिप्स और कोल्ड ड्रिंक हो जाए क्या? मुफ्त में दिलाओगे तो कुछ भी पी सकता हूँ, लेकिन इस दुकान की चाय के अलावा कुछ भी नहीं अच्छा है। चल, सिर्फ वही पिला दे। गायत्री बोलो ना। देखना, अब ये भाग जाएगा। क्या कहा? क्या पिज़्ज़ा कह रही हो? ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, मैं इन्हें छोड़ के नहीं आ सकता अभी। अरे नहीं। ए, ये तो बहुत अच्छा हुआ ना। वाह, ये हुई ना बात। चाय उठाना जल्दी। हाँ देता हूँ। पेपर पढ़ता रहता है तो उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। ये ले अरुण चाय। हाँ क्या वो? अबे भाग क्या, क्या? बेवकूफ बनाना गलत नहीं है, बेवकूफ बनना गलत है। अच्छा क्या लोगे तुम? ओके, एक काम करो, मैं उन्हें चाय की दुकान पर ही छोड़कर आ गया, क्योंकि मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। वो बच्चू तो मेरे खून का प्यासा हो गया होगा। पागल कहीं का, फोन कट कर दिया समझकर खुश हो रहा था पागल। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं? खाओ ना। तुम भी ना। खाओ खाओ। अच्छा एक बात बताओ, मुझे देखकर तुम हमेशा मवाली मवाली कहती हो, क्या मैं सच में मवाली लगता हूँ? मेरी बात ध्यान से सुनो। आप बोलना। कुछ दिनों बाद इसकी हालत भिखारी जैसे होने वाली है यार। वो लड़की इसे मवाली कहती है। उस बच्चों के साथ तो मैं बस चाय की दुकान और शराब की दुकान पर ही जाता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद पिज्जा स्टोर में पहली बार आया हूँ। वो लड़की खुद पिज्जा खाने इस बेवकूफ के साथ पहली बार इस दुकान में आई है, ये बात शायद ये बेवकूफ नहीं जानता है। सही कहा। गायू, तुम्हारा जन्मदिन कब है? नहीं, बस तुम्हें एक गिफ्ट देना था ना, इसलिए पूछा। कनेक्शन करुणा के यहाँ जब से ये काम पे लगा है, तब से इसने अपनी तनख्वाह नहीं देखी होगी, लेकिन जनाब को गिफ्ट देना है। एक बार उसे मेरे पास तो आने दो, फिर मैं बताता हूँ उसे। गिफ्ट देगा। अच्छा तुम्हें खाना पकाना आता है? अच्छा ठीक है, नहीं आता। बस खाना आता है उसे। वहाँ देख, उसके सवालों का जवाब नहीं दे रही है वो, बस वहाँ बैठ के भुखड़ों की तरह पिज्जा खाई जा रही है। देखो देखो उसकी शक्ल, देखो ऐसा लग रहा है जैसे कुत्ते से हड्डी भी छीन के खा जाएगी वो। लेकिन अपना भाई तो उसके प्यार में पागल है ना। अपने हाथ से खिलाओ ना मुझे। हाँ जरूर, लो ना। अपना तो वो पूरा चट कर गई, अब उसका खाने के लिए उसके अंदर देखो कैसे रोमांस उमड़ रहा है। ए, अपने हाथ से खिलाओ ना मुझे। अच्छे से जानता हूँ मैं ऐसी लड़कियों को। आगे आगे देखते जा तू। इनको छोड़ो, इनको देखो, में कितना प्यार है, अपने हाथ से पिज्जा खिला रहा है। इन दोनों को सच्चा प्यार देख लो तुम, है ना? सच्चा नहीं, लुच्चा प्यार है। उसके साथ वो जो बैठा है ना, वो सब्जी की दुकान वाला बलराम है, और वो जो औरत है ना, पंचर बनाने वाले मुकेश की बीवी है। इसे सच्चा नहीं, लुच्चा प्यार कहते हैं। बड़ा यार प्यार की डेफिनेशन देने वाले। और खाओ ना। अरे बच्चू, बच्चू हूँ मैं। तू यहाँ क्या कर रहा है? बताता हूँ ना, जब प्यार करने लगता है तो कौन कहाँ आ रहा है ये तुझे दिखता ही नहीं है। सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ।
तुम सारी लड़कियों को और कोई दूसरा काम नहीं होता है क्या? लड़के के हाँ बोलते ही मंदिर से सीधा यहाँ चली आती हो, हाँ पर्स खाली कराने। ये सुनो, अगर तुम्हें इसके साथ फ्रेंडशिप करनी है ना, तो तुम मुझे भूल ही जाओ, समझे? गायू, अब बच्चू मिल गए ना शांति? इतना सब कुछ ऑर्डर करके खाया है, इसका बिल कौन भरेगा? हाँ? तू है ना मेरा दोस्त। हाँ, आते समय तो खाली हाथ चले आए, यहाँ आने के बाद सिर्फ एक ही फोन आता है दोस्त के पास। ए, आ जाओ, हम भी खाते हैं। आ जाओ, नहीं तो मैं ही खत्म कर दूंगा। अरे भगवान, खाओ खाओ। इन सब भूखों को मेरा ही दोस्त होना था। तुम क्या करते हो वो भी मुझे पता है।